हेलो गाइस, चलिए आज हम बनाते हैं चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बनाने के लिए हम कोई से भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। मैंने ओरियो और टाइगर के बिस्किट लिए हैं। आप जो भी बिस्किट लेना चाहें आप ले सकते हैं। फिर सारे बिस्किट को मिक्सी जार में हम डाल देंगे। फिर उसके बाद उसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने 6 बिस्किट्स के पैकेट में 5 चम्मच चीनी डाली थी। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी ऐड कर सकते हैं, जितना भी मीठा आप खाना चाहें। अब हम इसको किसी बर्तन में करके उसके बाद उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। बिस्किट्स को अच्छे से पीसिएगा जिससे उसमें कोई लम्स ना पड़े। बैटर बनाने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अच्छे से मिक्स करने के बाद हल्का गुनगुने दूध से उसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। दूध एक बार में मत डालिएगा, हल्का हल्का करके जैसे जैसे मिक्स होता जाए वैसे वैसे उसमें दूध डाल लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक उसका एक स्मूथ सा बैटर ना बन जाए। जब बैटर में ऐसे लेयर्स गिरने लगे तो वो बैटर परफेक्ट तैयार हो जाता है। आधे घंटे के लिए रख देंगे हम। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद उसमें एक इनो का पैकेट डालेंगे, उसके ऊपर से थोड़ा सा दूध और उसे हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। केक बनने के लिए पूरा बैटर रेडी हो चुका है। अब किसी बर्तन या केक टिन में हम बटर पेपर लगा के उसके ऊपर ऑयल लगाकर सारा बैटर उसमें डालकर हम कढ़ाई या ओवन में रख दें। जब केक बनने रखेंगे हम उसे, तो अगर आपने ओवन में रखा है तो आप टाइम सेट कर दीजिए, या अपनी कढ़ाई में रखा है तो आप उसे 10-10 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा कि आपका केक कितना रेडी हुआ है। परफेक्ट केक जब तक केक ठंडा हो जाए, उसके बाद आप जैसे भी उसकी गार्निशिंग करना चाहें कर सकते हैं। मैंने चॉकलेट डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया था जिसको मेल्ट किया था और फिर उसके बाद वो केक पर ऊपर डाला था। उसके बाद थोड़ी बहुत मैंने उस पर डेकोरेशन की है। आप जैसे भी चाहें उसे कर सकते, यानी थोड़ी बहुत चॉकलेट और स्पिकल्स थे, थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है, थोड़ी वाइट चॉकलेट चिप्स थे मेरे पास और थोड़ी सी चॉकलेट को कद्दूकस कर लिया है, या फिर आप उसको छीला चक्कू से भी क्रश कर सकते हैं। अच्छा लगता है अगर आप डालना चाहें तो। जब भी आप चॉकलेट गनाश बनाएं तो आप डार्क कंपाउंड चॉकलेट में थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप उसको अपने केक पर डालेंगे तो वो ना बहुत टाइट हो जाता है। अगर आप मिल्क ऐड करते हैं तो वो स्मूथ रहता है। केक बनकर रेडी है। ये केक मैंने अपनी मम्मा के लिए बनाया था मदर्स डे पे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको केक की डेकोरेशन की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।